हेलो एवरीवन वेलकम टू बिल्ड प्लेटफॉर्म होप यू डूइंग स्ट्रीमिंग वेल तो देखिए आज हमारे क्वेश्चन आंसर की क्लास है डीएफसी सेल से जो सब्जेक्ट है हमारा उससे रिलेटेड तो आज हम जो है जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन बीडी का जो पेपर है वो डिस्कस करेंगे उसमें जितने भी क्वेश्चंस आ रखे हैं वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे चलिए शुरुआत करते हैं क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि स्टूडेंट ही डिमांड पर सिर्फ ओनली दिस सब्जेक्ट इसकी एक साल की आपको जो है वैलिडिटी मिलेगी ये सीबीटी वन प्लस सीबीटी टू आप दोनों के लिए ये जो है काम आ जाएगा क्योंकि एग्जीक्यूटिव के जो पेपर है उसमें ये CBT1, CBT2 दोनों में काम आ जाएगा ठीक है और ये टोटल थर्टी फोर मार्क्स के लिए है मार्क्स मार्क्स एंड तो ये सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और मैंने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा दिया है आप प्लीज जाकर एंड्रॉइड एप्लीकेशन मेरा डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से या फिर जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है उसे आप डाउनलोड कर सकते हो और आप एक काम कर सकते हो इससे जो है Uh, पहले डेमो लेक्चर्स देख लेना अगर अच्छा लगता है तभी जो है ये कोर्स परचेस कर लेना थ्री हंड्रेड नाइन रुपीज ओनली चलो शुरुआत करते हैं कौन से क्वेश्चन देखो द प्लानिंग कमीशन सैंक्शन द फैक्ट्री प्लांट रेल विल फैक्ट्री प्लांट अलग है और प्लांट अलग है देखो प्रोजेक्ट इन नाइनटीन सेवेंटी एट एट कॉस्ट ऑफ वॉट तो रेलविल फैक्ट्री जो है ये आपकी अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर शुरुआत हुई थी और रेलवे प्लांट जो है ये आपके लाल बहादुर शास्त्री सॉरी ला, लालू प्रसाद यादव जी के टाइम पर 2002 के आसपास कुछ तो उनकी आ, स्टार्ट दो हजार 2004 के आसपास वो मंत्री बने थे रेलवे मिनिस्टर उसके बाद स्टार्ट हुई थी तो उसको और इसको कंफ्यूज नहीं करना है बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं लेकिन देखो यहाँ पर जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम की है ठीक है तो यहाँ पर एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया भाई कितना Uh, जो है मनी अलोकेट किया गया था और बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये कंपेयर टू द जूनियर एग्जीक्यूटिव पेपर डिफिकल्ट क्वेश्चन था तो ध्यान रखिये वन हंड्रेड करोड़ रुपीज जो है यहाँ पर अलोकेट किए गए थे अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं तो ही आपको करना है अदरवाइज इसको स्किप करना है क्योंकि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है और ऐसे क्वेश्चन इसीलिए वहां पर एड करता है एग्जामिनर की आपको वहां पे ट्रिक करे वो

ऐसा हो रहा था कि हम लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे कुछ भी इम्पोर्ट कर पाना क्योंकि हमारे पास जो फॉरेक्स रिजर्व है उसकी बहुत कमी थी और अगर हम इम्पोर्ट नहीं कर सकते तो क्या करना पड़ेगा घर पर ही बनाना पड़ेगा ना कुछ तो इसीलिए इस तरह का प्लांट बनाने की बात रखी गई थी प्लानिंग कमीशन के द्वारा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे मद्रास वॉज द सेकेंड मेट्रो सिटी टू गेट इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इन सदर्न रेलवे ऑन इलेवेंथ ऑफ मे वॉट तो मद्रास जो है ये सेकेंड मेट्रो सिटी हो गई थी जिसको इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मिला था इन सदर्न रेलवे तो फर्स्ट मेट्रो सिटी कौन सी थी वो थी आपकी बॉम्बे या फिर कहो मुंबई ठीक है कब मिला था इसको ये जो है पहली ट्रेन चली थी थर्ड ऑफ फेब्रवरी 1925 ट्वेंटी को तो इसके कुछ साल बाद ही 1931 में मद्रास जो है मद्रास हमारी जो सदर्न रेलवे में हमारी सिटी थी ठीक है मद्रास सिटी नहीं है तो इस सिटी में एक्चुअली पूरा प्रोविंस था इस सिटी में जो है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन अवेलेबल था तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भाई, कौन से साल में बहुत डीप जाकर क्वेश्चन पूछा है तो इलेवेंथ ऑफ मे नाइनटीन ठीक है इलेवेंथ ऑफ मे नाइनटीन इज द राइट आंसर नेक्स्ट यहाँ द इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वॉज से महाराष्ट्र राजस्थान तमिलनाडु गुजरात तो देखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड ये जो जो है इन 1988 में सेटअप हुआ रेलवे कंस्टिट्यूट है ये नासिक महाराष्ट्र में कहां पर है पर नासिक महाराष्ट्र में मोस्ट इम्पोर्टेंट नासिक रोड महाराष्ट्र जो आई होते हैं ठीक है जो आपके जो है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज क्लियर करते हैं यूपीएससी जो पेपर कंडक्ट करवाता है इसमें जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ये पेपर क्लियर करते हैं इनकी ट्रेनिंग यहाँ पर होती है माने क्लास वन ऑफिसर्स की ट्रेनिंग यहाँ पर होती है तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है रेलवे इंस्टीट्यूट एक पूरा लिस्ट ही है आपको पूरा याद करना है कि रेलवे इंस्टीट्यूट कहाँ है ठीक है उसका नाम याद करो जैसे अभी ये है रेलवे इंस्टीट्यूट इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ठीक है तो इसका नाम याद कर लिया आपने इसका हेडक्वार्टर याद करो और ये भी याद करो कि भाई वहां पर किसकी ट्रेनिंग होती है कौन से पोस्ट की माने क्लास ए क्लास बी क्लास सी ये सब पूछता है सब बहुत डिटेल में पूछता है तो इसका पूरा एक लिस्ट बना लो आप लोग ठीक है नेक्स्ट गाजियाबाद मेरठ शान शरणपुर सेक्शन गॉट इट्स इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इन विच ईयर ठीक है तो यहाँ पे देखो 2013 टू थाउजेंडर्टीन एंड पेपर हुआ था आपका 2021 में पूछा गया है 2015-16 का तो ये क्या हो गया ये एक स्टैटिक क्वेश्चन हो गया क्या ये रिपीट हो सकता है जी हाँ, ये फिर से क्वेश्चन रिपीट होने के यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चांसेस है तो ये याद रखना की भाई ये जो सेक्शन है गाजियाबाद मेरठ और सहारनपुर ये जो सेक्शन है ये कब इलेक्ट्रीफाई किया गया था तो ये 2015-16 में जो ये फाइनेंशियल है उस समय जो है ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इस पर बिछाए गए थे ठीक है ये 100 ये, ये बार, 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 बार नेक्स्ट क्वेश्चन तो, देखो द फर्स्ट स्टीम लोको नंबर एफ सेवन हंड्रेड थर्टी फोर वॉज बिल्ड बाय द डैश ऑफ राजपुताना मालवा रेलवे अलवर वर्कशॉप अजमेर वर्कशॉप जैसलमार वर्कशॉप और जयपुर वर्कशॉप तो ध्यान रखना है जो हमारा पहला लोकोमोटिव जो हमने इंडिया में बनाया था जिसका नंबर था या फिर जिसका नाम हंड्रेड थर्टी फोर ये जो लोकोमोटिव है ये बना था आपके अजमेर के वर्कशॉप में कहां पर बना था अजमेर के वर्कशॉप में राजपुताना मालवा रेलवे जो है इसका इसकी मालिक थी बाद में जो है बॉम्बे वडोदरा बॉम्बे एंड सेंट्रल इंडिया जो रेलवे है रेलवे कंपनी कंपनी इसने मालवा रेलवे को परचेज कर लिया था तो ये एफ जो देखा होगा तो आपको सब कुछ याद आ रहा होगा ठीक है नेक्स्ट देखो रेगुलर जनरल मैनेजर वॉज पोस्टेड एट द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन फ्रॉम जुलाई डैश ऑनवर्ड्स तो ये क्या ये कोर है क्या है ये कोर कोर क्या है ये है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवे में जितना भी इलेक्ट्रिफिकेशन होता है जितने भी ट्रैक्स में इलेक्ट्रिफाई करना वगैरह वगैरह ये सारी चीजें कोर ही हैंडल करता है तो जनरल मैनेजर जो ये पोस्ट है ये बहुत बड़ी पोस्ट होती है देखो जैसे कि आपके जोन है ठीक है आपके कितने जोन है 19 जोन है तो 19 जोन के जनरल मैनेजर्स होते हैं ठीक है तो सिर्फ पूरे इंडिया में 19 ही जनरल मैनेजर है इसका मतलब क्या है कि कोर में भी एक जनरल मैनेजर है बट ये पूछता नहीं है आपको कि कोर में जनरल मैनेजर है या नहीं वगैरह बट ये जो पोस्ट है इतनी बड़ी है तो इसीलिए पूछा जाता है ये कब जो है ये पोस्ट बनाई गई थी तो ये पोस्ट बनाई गई थी आपकी तो नाइनटीन में क्योंकि नाइनटीन जनरल मैनेजर होना इतने बड़े देश में बहुत ही बड़ी बात होती है क्योंकि देखो 140 करोड़ जनता है उसमें सिर्फ 19 लोग इतना प्रिविलेज लेकर जा सकते हैं इतने बड़े जोन के वो जनरल मैनेजर हो सकते हैं उनका डायरेक्टली कांटेक्ट हो सकता है अगर किसी तरह की कोई बातचीत करनी है तो वो डायरेक्ट जाकर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एक्चुअली जो मिनिस्टर है रेलवेज के उनसे बात कर सकते हैं तो इतनी बड़ी पोस्ट है, है ये इसीलिए ये क्वेश्चन लाजमी है कि पूछा जा सकते हैं बताओ कि रेगुलर जनरल मैनेजर कोर के लिए कब से अलोकेट किया गया या कब अपॉइंटमेंट दी गई तो वो दी गई थी जुलाई 1987 से ठीक है जुलाई 1987 से नेक्स्ट द फर्स्ट रेलवे सर्विस इन इंडिया स्टार्टेड ऑन 16th ऑफ अप्रैल 1853 एंड कवर्ड व्हाट डिस्टेंस 26 किलोमीटर 30 किलोमीटर 34 किलोमीटर 23 किलोमीटर तो सबको पता है कि 34 किलोमीटर जो डिस्टेंस है ये जो हमारी पहली ट्रेन चली थी आपकी पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली थी बोरी बंदर बोरी बंदर से लेके जो अभी आपका बोरी बंदर से लेके ठाणे तक चली थी थाने तक चली थी कितना चली थी थर्टी फोर किलोमीटर चली थी तो ये तो सबको पता ही है बोरी बंदर का नाम जो है अब चेंज करके पहले तो देखो बोरी बंदर का नाम चेंज करके क्या था विक्टोरिया टर्मिनस फिर से इसका नाम चेंज करके छपति हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनस 2017 में फिर से नाम चेंज करके कहते छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तो ये पूछा जा सकता है कौन से साल में चेंज किया था ये दो में चेंज किया था हाल फिलहाल का ही ये क्वेश्चन है ठीक है नेक्स्ट यहाँ पर देखो वेन डिड दिल्ली गेट इट्स फर्स्ट मेट्रो दिल्ली में पहली इसकी मेट्रो कब चली थी सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कोलकाता में पहली मेट्रो कब चली थी तो वो चली थी आपकी 1984 में ठीक है सबसे पहले अगर इंडिया में मेट्रो रेलवे चली थी तो वो कहां पर चली थी कोलकाता में चली थी और कोलकाता मेट्रो रेलवे जो है ये वन ऑफ द जोन ऑफ रेलवे ठीक है ये एक रेलवे का जोन भी है जो 2010 में रेलवे का जोन बना था ये बातें यहां पर होगी कोलकाता मेट्रो की अब देखो दिल्ली मेट्रो जो है ये इंडिया की सेकेंड मेट्रो है और ये चली थी 2002 में कब चली थी 2002 में दिल्ली मेट्रो जो है 2002 में चली थी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही इसको फ्लैग ऑफ किया था 25 दिसंबर 2002 को तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लीज ध्यान में रखना आप लोगों को ओके नेक्स्ट यहाँ ने पे देखो ओके यहाँ पर हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं आज के लिए इतना रखते हैं देखो ये वाला क्वेश्चन में हाइड करना भूल गई थी इसका आंसर सॉरी फॉर दैट आज के लिए काफी है इतना बाकी जितने भी क्वेश्चंस बाकी है इस पेपर में वो हम कल डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि आपका पेपर जल्दी होने वाला है तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि आपको क्वेश्चन का एक

आपका पास है आई थिंक ट्वेंटी आपका कुछ एग्जाम वगैरह होने की पूरे चांसेस है तो प्लीज आप एक काम कीजिए फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देना शुरू कर दीजिए ठीक है फुल टेस्ट जो है वो जो आपके हंड्रेड क्वेश्चन वाली टेस्ट सीरीज है वो प्लीज देना शुरू कर दीजिए बुक पे एटलीस्ट मुझे लगता है पंद्रह फुल लेंथ टेस्ट अवेलेबल है प्लीज वो आप डेली बेसिस पे एक एक फुल लेंथ टेस्ट देना शुरू कर दीजिए ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉर्चिंग प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल शेयर दिस वीडियो लाइक शोर दिसक थैंक यू थैंक यू